हाय, नए व्लॉग में आपका स्वागत है। आज का व्लॉग पूरा फैमिली व्लॉग होने वाला है, जो कि वैसे भी होता है, बट आज का और स्पेशल होने वाला है। तो आज मेरे पेरेंट्स की वेडिंग एनिवर्सरी है एंड हम लोग जा रहे हैं डिनर पे सारे। तो मैं अभी मम्मी को रेडी कर रही हूँ। मम्मी मेकअप उतना पसंद नहीं करती है अपने फेस पे, तो बस उनके बाल हल्के से ऐसे सीधे करने होते हैं, क्योंकि उन्हें सीधे बालों का बहुत शौक है। जब मैं ये कर रही होती हूँ ना, तब मुझे रियलाइज होता है टाइम कितना चेंज हो गया है। पहले मम्मी हमारे बाल बनाती थी, अब मैं मम्मी के बाल बना रही हूँ। बट एनीवे, तो मैं एक क्यूट सी बात बताऊँ, इस घर में सबके कपड़े मैं ही चूज करती हूँ। पापा, मम्मी, पर्स के कपड़े चूज करने के बाद अभी मैं बाबा के कपड़े चूज कर रही हूँ, उनका कुर्ता। पापा ने कुछ लिखा है एनिवर्सरी पे। एक मिनट, मम्मी को आज मेरी शादी की 27वीं वर्षगांठ है और बहुत बनाते हैं पापा। साउंड कम करते हैं। दावे के साथ कह सकता हूँ कि शादी के शुरू के 25-26 साल ये मुश्किलों से काटने पड़ते हैं। उसके बाद जिंदगी आसान हो जाती है पापा। एक टिप अगर तुम देना चाहो जिनकी नई नई शादी हुई है या फिर होने वाली है, तो क्या देना चाहोगे? आँख कान बंद रखो। मम्मी तुम देखो जो मर्जी करो लड़कियों। बात ये है कि जहाँ तुम गलत रहो वहाँ तुम जहाँ तुम सही रहो वहाँ तुम खड़े रहो, बस। और कभी कभी हम गलत भी हो सकते हैं, तुम गलत नहीं होते हो वैसे तो। मम्मी गलत, मान लो तुम सही हो, सामने वाला गलत है, तुम सुधारोगे नहीं मम्मी। हाँ ये भी है, नहीं ये भी है, लड़ाई करनी है नहीं। अड़े रहो कह रही है कि अपनी बात पे अड़े रहो, बात पे अड़े रहो। तुम गलत हो, मान लो तुम कभी गलत, वैसे तुम कभी गलत होते नहीं हो, पर मान लो नहीं मैं गलत पे आवाज ही नहीं उठाती। नहीं नहीं, मान लो तुम मम्मी कभी गलत नहीं होती। 27 ईयर्स कम्प्लीट हो गया, 2 साल उस वाले एनिवर्सरी दिया गया है। कह रहा कि 20 साल नहीं दिया गया, ऐसे नहीं कहते। साथ तो भाई क्या ही जी, लग नहीं रहा पॉसिबल चीज है। भाई तो सारे ही लड़ते हैं रोज, कौन नहीं लड़ता। अभी जा ना, अभी जब इसकी शादी होगी ना तब इसको पता चलेगा। मैं तुमसे बात करूंगी, तब बात करना, जब करूंगी, जब कितनी लड़ाई करते हो, कितने आराम से रहते हैं। क्यों पापा, तुम कुछ कह नहीं रहे? मिल गई इसलिए मम्मी बिजी रहती है, लड़ाई में फोकस नहीं है। तो टिप यही दो कि अपनी बहुत बड़ा, बहुत बड़ा, बहुत बड़ा फैक्टर है। मम्मी अगर वेली रहती ना, मम्मी को कुछ मतलब खाना बनाओ मम्मी बैठी, फिर बहुत टाइम होता है जो बोला था, उसके बाद किसी को नहीं बोला। उसके बाद हमारे रात कितनी देर तक भी जगह फर्क नहीं, इसको तो सुलाते थे अपने पास 11 बजे ला के। चलो कैमरा घुमा के बताते अपना भी क्या। अरे तो मुझे लगा गलत काम कर रहा है इसलिए मैं बोलती थी तेरे लिए, पर खाजा माँ कसम। अगर मैं 27 साल हो गए, मेरी बात काट सुन तो, अपने में भी काट दे रहा, मेरे में भी काट दे रहा। सुन ना क्या कर, हाँ क्यों, मतलब कुछ ऐसा प्राउड मोमेंट होता है, फील होता है कुछ? इनका नेचर बताओ चेंज हुआ है ओवर द टाइम? नहीं, वो है कि तकलीफ कभी नहीं दिया किसी चीज के लिए, तो ये इनका प्लस पॉइंट था। और नेगेटिव रहने दो पापा, तुम एक बार पॉजिटिव बताओ। कुछ भी, कुछ तो दिमाग में आता होगा। सोच रहे हैं, रुक जाओ, सोच जो बोलना पड़े भैया। कोई पॉलिटिक्स नहीं है अंदर, हाँ जो है ऐसे मुंह पे ही है। अंदर पॉलिटिक्स नहीं, बट कहीं कभी कभार वो कर देता है, नुकसान कर देता है। वो अलग चीज है, जो पॉजिटिव जो तो पूछ रही है तो उसके हिसाब से मतलब चाल नहीं चलती, मुंह पे बोल देती है जो होता है। पापा तुम्हें ऐसा लगता है अगर तुम्हारी लव मैरिज हुई होती तो बेटर होती? वो तो भाग जाती। अरेंज में आप भाग नहीं सकते ना? मम्मी भाग ही नहीं सकती थी, मम्मी के घर पे जगह ही नहीं थी। मम्मी के पापा ने क्रिकेट फुटबॉल दो टीम बनाई है। 10 बच्चे, 10 नहीं है, 7 है अभी। फिर भी एक भाई बचा हुआ शादी के लिए, मामा की शादी अभी होनी है, एक ही बस लास्ट बचा, लास्ट बचा हुआ है। बिल्कुल एंड एंड तक हमारा बराबर ही आ गया। एनीवे अभी हम जा रहे हैं डिनर के लिए सारे, आगे पर्स कार्ड की जगह खड़ी है, माले बैठ के इसी तुम्हारी बात करता है, अपने व्लॉग में मेरी बात काटता है और मेरे में भी काटना चाह रहा है। पर बाबा भी, हम पांचों पहली बार जा रहे हैं ना? नहीं नहीं गए। अरे मेरा बाबा यूजुअली भरा खाना नहीं खाते ना। नहीं नहीं गए थे हम, बाबा एक बार गए। बाबा गाड़ी कैसी लग रही है? ठीक लग रही है, इसमें पूछ रहा है। कंफर्टेबल है? बिल्कुल बाबा। दीदी में ऐसा नहीं है, दीदी का गाड़ी। बाबा मेरी गाड़ी में बैठे हो ना, वो कैसी है? वो भी ठीक है, लेकिन ठीक ही है। थोड़ा सा आगे ले लो, हर बार सेम जगह पे आ जाते हैं, हर बार सेम जगह पे। जेन्युइन सवाल है, बच्चे उड़ेंगे यहाँ पे? नहीं भेजा यहाँ पे।
होता है ना उड़ते एक बार देखना। हाँ हाँ बलून की तरह ये जंप करने के लिए। वो तो देखा नहीं नहीं आइसक्रीम खानी है। अरे तुमने देखा ही है, देखा हुआ है, वो भूली नहीं है खानी है। चलो चलो खानी है, चलो बाद में खाएंगे, बाद में खाएंगे। तुमने देखी है वीडियो इसकी कैसे क्या कैसे करता है उसको बोल दो आधे घंटे। हाँ ऐसे पकड़ लो तो आपको इनाम मिलता है। हाँ अगर 15 मिनट से पकड़ेगा तो मुक्का मार दो। मेरे बहुत से मतलब प्लान हो रही थी बट किसी रीजन से बीच में नहीं हो पाई। मेरा आज नहीं है पर आ रहा है। तो लास्ट क्या होता है आगे भी तो लगा मतलब इस घर में लास्ट हाँ, हम पहले जा रहे थे जो है, वो एक्सपीरियंस करने लायक जगह भाई वो दीदी के साथ तो मतलब ऐसी चीज एक्सपीरियंस कर लेते हैं। अगले साल अभी अपने पति के साथ जाएगी मारो थोड़ी देर हमें भी बुलाना। तुम क्या करोगे जियान यार सबका आ गया हमारा नहीं आया। हमारा नहीं आया और इतनी भी डिसेंसी नहीं है कि तू भी मत खा वेट कर ठंडा खाना खाना चाहिए बच्चा तो लेकिन इसकी जगह तुम होते तो तुम तो नहीं खाते जब तक इसका खाना नहीं आता। सही बताओ सही बताओ इसकी जगह तुम होते तुम नहीं खाते ना पहले इसका आने देते तब खाते। जबरदस्ती खा लेते ठंडा खाना खा के क्या करेगा आदमी वही तो। कह रहा है एक ही उठाना है ये गुड है बैड है ये गुड है बैड है। इतनी कम जगह थी तो मत निकल देना। मिलने एक टांग ऐसे फंसी थी ऐसे के मैंने जब ऐसे क्या था उधर लग गए। चलो यार पापा पापा उस दिन जा रहे थे जूता पहन के जो नहीं होते वाइट वाले स्नीकर वाइट बेसिक स्नीकर नाइकी के वो पहन के जा रहे उससे शो बाइटिंग हो रहा है उनको नहीं हुई वो वॉक करते करते हो जाएगी आज नहीं होगी कल हो जाएगी ज्यादा वॉक ही नहीं करते होंगे। एक ना इंटरनेशनल योगा डे पे वाइट एंड वाइट पहन के गए थे ड्रेस कोड फॉलो कर रहे हैं। हाँ दिखा दो पापा रुक जाओ पापा को चलने दो पापा रुक फोटो दिखाएंगे हम पापा को इंटरेस्ट नहीं हमें ये देखो अरे बाप मैं भी स्कूल में डिलीट मत कर दूँ एक ही आदमी तेरा एक वो भी है ऑरेंज कलर के आउटफिट में फोटो बोल ले तो रिलीज कर दूँ आराम से बहुत गंदी फोटो स्कूल में करता था क्या पूरे भाई नाम बता दो। अच्छा हाँ तो योगा उसमें था प्रॉपर हाँ प्रॉपर योगा में था। पेटे में सब्जी ली है तेल वाले ने देखी है सब मिल गया है ना चावल दाल सब्जी। चलो क्या बात कर रहे थे आओ मम्मी तुम्हारे लिए गेट खोल दो कोई धमकी दे रही थी ना अकेले में क्या किस बात की पता नहीं चला। हे प्रभु जैसे मेरे को गाड़ी दिया है हाँ जो कार दिया है ना हाँ। हमारे पास भी ऐसे ही है हाँ। मैंने देखा था तुम जब बैठा गाड़ी में ना तो वैसे ही बन गए हाँ। तो तुम अपने पास में वैसे ही रखा को जगह देते हाँ पापा को बैठने दो मम्मी मम्मी जगह नहीं है। अरे हम मम्मी को जगह दो यार जाने दो अरे नहीं बहुत जगह है एडजस्ट करने के लिए मम्मी कैसे गिर जाएंगे कैसे गिरोगे।